are going. WWE SmackDown! हेलो गाइज, वेलकम बैक। सो आज ऑफिस जाते जाते आपको एक कहानी सुनानी है। वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये कहानी मेरे लिए क्यों स्पेशल है, बिकॉज शाम में होने वाला है समथिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। व्हेन आई वाज यंग, तीन चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, क्रिकेट, मूवीज और WWE। सो बात है अर्ली 2000s की। अनलाइक टुडे, उस समय हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करता था, सो वी हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर स्पोर्ट्स एंड गपशप। स्कूल के बाद हम फ्रेंड्स क्रिकेट खेलने जाते थे। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया, रांची। सो हमारे महल्ले में कोई बड़ा क्रिकेट ग्राउंड तो था नहीं, सो वी यूज्ड टू गो अ लिटिल फार हमारे घर से, जो कि 20-30 मिनट्स में था। उस ग्राउंड का नाम था DIG ग्राउंड। पूरे रास्ते हम एक दूसरे का टांग खींचते हुए, मस्ती मजाक करते हुए जाया करते थे। हमारा सारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन गर्ल्स पे नहीं होता था, एंड वी यूज्ड टू चिट चैट अबाउट क्रिकेट एंड WWE। दैट वाज वन थिंग ऑल ऑफ अस पैशनेटली फॉलोड। स्कूल से लौटने के बाद हम सब निकल जाते थे क्रिकेट खेलने। शाम में 6 बजे टेलीकास्ट होता था टीवी पे WWE। इन दैट एरा देयर वाज नो यूट्यूब, सो जो भी टीवी पे टेलीकास्ट होता था हम वही देख पाते थे, एंड दैट्स व्हाई एक्साइटमेंट भी उतना ही रहता। फटाफट गेम फिनिश करके हम घर आते थे, और इससे पहले कि मम्मी पढ़ने के लिए भूले, हम नाश्ता लेके बैठ जाते थे टू वॉच माय फेवरेट शो WWE। दोस वर द गोल्डन डेज। आई वाज अ हार्डकोर फैन ऑफ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड द रॉक। If you liked WWE at some point of time in your life, do comment and tell me who was your favorite star. So, आज का सीन कुछ ऐसा है कि after office हम जा रहे हैं to watch a real WWE match. Yes, जो कि होने वाला है in Scotiabank Arena in Toronto. This is something surreal for me. Can't wait for the evening to begin. So, let me take you right where the action is. This will be the first time जब हम लोग टीवी में नहीं, बाहर में रियलिटी में देखेंगे। The massive, massive lineup. The evening turned out to be very entertaining. ये वो एक्सपीरियंस था जो पहले कभी सोचे नहीं थे। Never ever had I imagined कि ऐसा कुछ हम देख पाएंगे। But that strengthens my belief that how beautiful life is, and it's filled with wonderful events. अभी किधर वो फाइटर लोग आए, जो लास्ट वाला मैच हुआ ना, वो टॉप मैच होता है। More than the fights, we were enjoying the fact that we were actually there, and the feel of it was really amazing. Following contest scheduled for 1-4 is for the WWE Tag Team Championship. What a experience, ये experience था एक, मतलब कभी नहीं सोचा था कि मतलब एक्चुअली में जाके
WWE का मैच रियलिटी में देखे हैं, क्योंकि टोरंटो में रेगुलर मैचेस होते भी नहीं है, लाइक इट हैपेंस इन अमेरिका ओनली. इट वाज लवली, वी एंजॉयड इट. और हम पहले निकल गए हैं टू अवॉइड द क्यू एंड अबाउट द भीड़ अवॉइड करने के लिए. So that was our WWE saga. Milte aapse agle video mein. Until then, keep working hard towards your dream, because it's your time to shine. Bye-bye.